हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बताएं जिन भाइयों का ECMP सॉफ्टवेयर है और वो अपना ऑटोमेटिक अपडेट नहीं हो रहा है, जिन लोगों का वो अपना खुद से मैन्युअली फाइल से अपडेट करते हैं। अगर उन लोगों को अपडेट करते समय ये अपॉइंटमेंट और रेसिडेंट का ऑप्शन हाइड हो जाता है, मतलब कि ऑफलाइन अपडेट का ऑप्शन हाइड हो जाता है खुद से अगर अपडेट करते हैं, तो वो कैसे सही करेंगे उसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। जैसे कि उन भाइयों ने अपना ECMP जो भी सॉफ्टवेयर चलाते हैं हमारे पास, जो नए आधार बनाते हैं उनके लिए ये वीडियो स्पेशली है, वो कैसे अपना सॉफ्टवेयर सही कर सकते हैं। वो कुछ भाई का कहना है कि UCL की फाइल से ही अगर हम अपडेट करते हैं तो UCL की तरह आपका ऑनलाइन अपडेट का ही ऑप्शन खुलता है। केवल ऐसा नहीं है भाइयों, सिर्फ एक ही फाइल होती है सॉफ्टवेयर की, चाहे वो UCL से आप अपडेट UCL को अपडेट करें या तो आप ECMP सॉफ्टवेयर को अपडेट करें, उससे कोई मतलब नहीं है, फाइल एक ही होती है। तो आप लोग जैसे UCL वाले तो अपडेट कर लेते हैं, उनका लॉगिन में प्रॉक्सी फाइल चेंज करने पे सही हो जाता है। जो हमारे ECMP के भाई लोग हैं जो सॉफ्टवेयर चलाते हैं, उनको हम बताना चाहेंगे कि उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर खुद से अपडेट किया, मैनुअली से फाइल को एक्सट्रैक्ट करके अपडेट किया है, उसके बाद उनका सिर्फ ऑनलाइन अपडेट का इस टाइप से खुलता है, ऑनलाइन अपडेट का ही सिर्फ ऑप्शन खुलता है। ये वाला उनका रेसिडेंट और अपॉइंटमेंट का ऑप्शन हाइड रहता है, ये नहीं खुलता है। तो वो कैसे सही करेंगे उसके बारे में बताएंगे हम दोस्तों आप लोगों को। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो आप लोगों को हम आज पूरा प्रोसेस बताएंगे कि कैसे वो लोग सही कर सकते हैं, 100% उनका सही हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, अब हम सोल्यूशन आप लोगों को बताएंगे। आप लोगों को कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिंपली आप लोगों को जैसे आप लोगों का सिर्फ ऑनलाइन अपडेट का ऑप्शन आता है, तो आप लोग सिर्फ अपने कुछ नहीं करना है, आपको अपनी मशीन को ऑनबोर्ड कर देना है दोबारा से। जैसे आप दोबारा से ऑनबोर्ड करेंगे तो आपका ये दोनों रेसिडेंट और अपॉइंटमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा दोस्तों। अगर ऐसा भी नहीं होता है आप लोगों का, तो आप लोग हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग हमको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप अपना खुद से भी सही करवा सकते हैं हमसे। अगर आप लोगों सॉफ्टवेयर अपडेट करने में कोई भी समस्या आती है या नहीं आप लोग अपने हाथ से करना चाहते हैं, तो कुछ चार्ज आप लोगों को पे करना पड़ेगा, आप लोग हमसे भी करवा सकते हैं। बाकी हमारे वीडियो में ऐसा नहीं, कुछ भाई लोग कहते हैं कि आप लोग कमाई करने के बैठे, ऐसे कुछ नहीं है, हम वीडियो में पूरी जानकारी आप लोगों को दे देते हैं। अगर आप लोग अपने हाथ से खुद करना ही नहीं चाहें तो दोस्तों, उसके लिए आप लोगों का ये दूसरा ऑप्शन है, आप लोग कुछ चार्ज पे करिए और आप लोग अपना सॉफ्टवेयर हमसे अपडेट करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग सॉफ्टवेयर अपना खुद से अपडेट कर रहे हैं तो आप लोग सॉफ्टवेयर का बैकअप जरूर बना के रखें, बाई चांस आप लोगों से भी फॉल्ट हो जाती है तो हम उसको आप लोग हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी मशीन दोबारा से सही कर देंगे। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। अगर दोस्तों आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोग अपने दोस्तों में हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, हमारी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।